नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज स्वनेशन। बात करेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की शेरनी बेटी रोहिणी आचार्य की। दरअसल रोहिणी आचार्य सात समंदर पार रहकर भी हमेशा ही बिहार की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा होता है उसके लिए अपनी आवाज बुलंद करती है, लेकिन अपने पिता के लिए भी उन्होंने अलग तरीके से ही मोर्चा संभाल रखा है। अब रोहिणी आचार्य ने अपने पिता के लिए चैती नवरात्र के साथ साथ रमजान का पाक पर्व भी मनाने का ऐलान किया है। यानी कि रोहिणी आचार्य रोजे तो रखेंगे ही और साथ ही साथ मां दुर्गा की भी आराधना करेंगी। उनका कहना है कि मुझमें भगवान ने इतनी हिम्मत दे रखी है, मेरी परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई है कि मुझमें पूरी हिम्मत है कि मैं इस दोनों ही पर्व को पूरी आस्था और निष्ठा के साथ मनाऊंगी। इसके अलावा रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ लिखा है पहले देखिए। कल से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है। इस साल हमने भी फैसला किया है कि पूरे महीने अपने पापा की सेहतयाबी और सलामती के लिए रोजे रखूंगी। पापा की हालत में सुधार हो और जल्दी न्याय मिल सके इसकी भी दुआ करूंगी। साथ ही मुल्क में अमन चैन हो इसलिए ईश्वर अल्लाह से कामना करूंगी। साथ में चैती नवरात्र भी है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं दोनों पावन पर्व पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर सकती हूँ। मुझे किसी जहरीली परवरिश की नफरती सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी को चैती नवरात्र की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो बात करें अगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, तो पिछले कई दिनों से लगातार वो 18 तरह की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और साथ ही साथ चारा घोटाले की 4 मामलों में सजायाफ्ता भी हैं। अब ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहतयाबी और सलामती के लिए उनकी बेटी रोहिणी आचार्य पूरी तरीके से तैयारी में है। यानी कि अब वो भगवान से, खुदा से, अल्लाह से उनकी अच्छी सेहत की कामना करेंगी, साथ ही साथ माँ दुर्गा की भी आराधना करेंगी। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य अपने पिता को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार चिंतित हैं और अपनी इस चिंता को वो लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर कर रही है। शायद यही वजह है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल से रिहाई का मामला हो या फिर उनकी सेहत की बात हो, रोहिणी आचार्य लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उनके लिए कई सारी बातें पोस्ट कर रही हैं, बिहार की जनता तक पहुंचाने की बात कर रही हैं। और साथ ही साथ अगर आपको याद हो तो इससे पहले जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिहाई नहीं मिल पाई थी उस दौरान रोहिणी आचार्य ने ही सबसे पहले मोर्चा संभाला था और हैशटैग आजादी पत्र के नाम से मुहिम की शुरुआत की थी। यानी कि रोहिणी आचार्य अपने पिता को लेकर खास चिंतित हैं और इतना ही नहीं, रोहिणी आचार्य ने अपने पिता की एक तस्वीर भी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से साझा की है। यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की शेरनी बेटी हर वो संभव प्रयास, हर वो कोशिश करेंगी ताकि उनके पिता को न्याय मिल सके और साथ ही साथ उनकी सेहत में सुधार हो। फिलहाल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुनवाई की बात करें तो 16 अप्रैल को उनकी सुनवाई होनी है। उस दौरान ही इस बात से पर्दा हटेगा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जेल में रहना होगा या फिर उन्हें बेल मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।